जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, आज आपको हम बताने वाले हैं इस वर्ष 2021 में मकर संक्रांति का पावन पर्व कब रहेगा और इस दिन मकर संक्रांति का वाहन क्या रहेगा और इसका फल आपको क्या प्राप्त होगा और मकर संक्रांति के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे वर्ष भर आपको सफलता मिलती रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह की 12 राशियां मानी गई है। इनमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां हैं। तो जब सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है तब मकर संक्रांति का पर्व होता है। वैसे तो संक्रांति प्रत्येक मास में होती है किंतु मकर और कर्क राशि का संक्रमण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दोनों संक्रमण 6-6 महीने के अंतर से होते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण और कर्क संक्रांति से दक्षिणायन हो जाते हैं। उत्तरायण में दिन बड़ा होता है, रात्रि छोटी हो जाती है और दक्षिणायन में रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। कहा जाता है कि यशोदा जी ने इसी दिन श्री कृष्ण के जन्म के लिए व्रत धारण किया था। मकर संक्रांति के व्रत का विधान बहुत ही सरल होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल तेल उपटन से स्नान करना चाहिए। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना और तिल से इस दिन हवन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है और इस दिन तिल का ही जल पीना चाहिए। तिल से बने हुए पदार्थ खाना और तिल का दान देना, यह 6 कर्म बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। तो इनका विशेष महत्व इस दिन बताया है। तो इस दिन चंदन से अष्टदल कमल बना करके उसमें सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति को स्थापित करके उनका आवाहन आदि क्रम से विधि पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, कर्पूर से आरती उतारना चाहिए। नैवेद्य में तिल से बने हुए पदार्थ का ही भोग लगाना चाहिए, इस दिन तिल का ही दान देना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी, दाल, चावल, तिल आदि का दान करते हैं और खिचड़ी का ही खाने में प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में विवाहित लड़कियां इस दिन तिल, तेल, कपास, नमक आदि सौभाग्यवती स्त्रियों को दान में देती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपनी सहेली को हल्दी, रोली, तिल और गुड़ आदि का दान देती हैं। बंगाल में भी स्नान और दान की विशेष प्रथा है। पंजाब में यह पर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। गंगा सागर में इस दिन बड़ा भारी मेला भी लगता है। इस महीने में घी और कंबल दान देने का विशेष महात्म्य धर्म ग्रंथों में बताया है। मकर संक्रांति का दिन सभी दिनों से शुभ दिन माना जाता है, अतः शुभ कार्यों का संपन्न करने के लिए यह दिन अत्यधिक लोकप्रिय माना गया है। इस दिन तिल का दान करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति का पर्व इस प्रकार से रहेगा। वैसे तो सामान्यतः संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को प्रति वर्ष मनाया जाता है क्योंकि अधिकतर इसी दिन सूर्य का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होता है। नव वर्ष में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन नव ग्रहों के राजा सूर्य देवता अपनी राशि परिवर्तन करके प्रातःकाल 8:05 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही देश भर में मकर संक्रांति के पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। संक्रांति शुभ होगी या अशुभ होगी इसका विचार उसके वाहन से किया जाता है, फिर उसका नाम भी रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि वह देश दुनिया के लिए कैसी रहेगी। तो हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक कैलेंडर व पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का देवीकरण किया गया है, यानी देवी स्वरूप माना गया है। इसके फलाफल निकाले जाते हैं। माना जाता है कि संक्रांति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं या वह नष्ट हो जाती है। वह जिसे देखती है वह नष्ट हो जाता है। जिस दिशा से वह आती है वहाँ के लोग सुखी रहते हैं, जिस दिशा को वह चली जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। हालांकि यह कितना उचित होगा यह कहना मुश्किल भी होता है। तो संक्रांति को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, उसके वाहन के साथ ही उपवाहन भी माने जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस बार संक्रांति का वाहन क्या रहेगा और उसका फल क्या प्राप्त होगा। तो वर्ष 2021 में
संक्रांति का वाहन सिंह व्याघ्र एवं उपवाहन गज हाथी रहेगा। इस वर्ष संक्रांति का आगमन श्वेत वस्त्र पाटली केंचुकी धारण किए हुए बाल्या अवस्था में कस्तूरी लेपन करके गदा आयुध शस्त्र लिए हुए स्वर्ण पात्र में अन्न भक्षण करते हुए आग्नेय दिशा को दृष्टिगत किए हुए पूर्व दिशा की ओर गमन करते हो रहा है। तो संक्रांति का फल इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो देश भर में सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि चांदी चावल दूध शक्कर आदि के दाम बढ़ जाएंगे। राजा के प्रति विरोध की भावना बलवती रहेगी। ब्राह्मण वर्ग का सम्मान बढ़ेगा। सन्यासियों व किसानों को थोड़ा कष्ट रहेगा। पश्चिम देशों से रिश्ते मधुर बनेंगे। पड़ोसी देशों से रिश्तों में कटुता बढ़ेगी और महामारी के प्रसार में थोड़ी कमी आएगी। तो सूर्य ग्रह 14 जनवरी को प्रातःकाल 8:13 से धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन पुण्यकाल 4:15 तक यानी प्रातःकाल 8:13 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसी बीच 14 मिनट तक अर्थात 8:13 से तो प्रातःकाल 8:27 तक का महापुण्यकाल रहेगा। इस पुण्यकाल में तिल गुड़ वस्त्र आदि का दान करना और तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायी रहेगा। तो मकर संक्रांति का राशि के अनुसार फल इस प्रकार से रहेगा। मेष राशि वालों के अनुसार इष्ट की सिद्धि होगी। इष्ट देवता की पूजा आराधना करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वालों के अनुसार धर्म कार्यों से आपको लाभ मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के अनुसार आपको शारीरिक कष्ट की संभावना ज़्यादा रहेगी। सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। कर्क राशि वालों के अनुसार आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के अनुसार भय व चिंता आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य देवता की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगी। कन्या राशि वालों के अनुसार धन में वृद्धि होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के अनुसार कलह व मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। आपको सूर्य देवता की विशेष आराधना व दान आदि इस दिन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार धन आगमन सुख शांति रहेगी। धनु राशि वालों के अनुसार धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। मकर राशि वालों के अनुसार स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। धन का स्थायित्व बढ़ जाएगा। और मकर राशि और कुंभ राशि वालों के अनुसार आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों के अनुसार आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गणों को पवित्र नदी में कूटे हुए तिल का उबटन लगा करके स्नान करना एवं तिल से बनी वस्तुओं कंबल और वस्त्र आदि का दान करना श्रेयस्कर रहेगा। इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होगा। और इस दिन राशि के अनुसार आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि वर्ष भर आपको सफलता मिलती रहे। तो मेष राशि के अनुसार आपको विशेष उपाय इस प्रकार से करना चाहिए। मेष राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को जल में पीले पुष्प हल्दी केसर और तिल मिलाकर के अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको तिल गुड़ आदि का दान भी करना चाहिए। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को जल में सफ़ेद चंदन दूध सफ़ेद पुष्प और तिल डाल करके अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन वस्त्र तिल का दान आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जल में तिल डालकर के सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन छाते का दान करना चाहिए। आपके लिए यह बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। इसके अलावा तिल और गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं। और कर्क राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जल में दूध चावल मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें तो आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी। तेल या उड़द का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जल में कुमकुम तथा लाल पुष्प और तिल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके साथ ही आप कंबल वस्त्र आदि का दान करें, तिल गुड़ का दान करें तो अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। कन्या राशि वालों के अनुसार संक्रांति के दिन इस राशि के जातक जल में तिल दुर्वा और पुष्प डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें और मूंग की दाल और खिचड़ी आदि का दान करें, तिल का भी दान करें। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन आप जल में सफ़ेद चंदन तिल डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही दूध चावल का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में इससे सफलता प्राप्त होगी।
वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस पवित्र दिन पर आप जल में कुमकुम, लाल पुष्प, तिल मिश्रित करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, गुड़ और खिचड़ी का दान करें, वस्त्र आदि का दान करें। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन आप जल में हल्दी, केसर और पीले पुष्प मिला करके सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही चने की दाल व तिल गुड़ का दान करें। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन आप जल में काले और नीले पुष्प और तिल मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, पुस्तक और तिल गुड़ आदि का दान करें। यह आपके लिए अनंत गुणा फलदायी रहेगा। कुंभ राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन आप जल में नीले काले पुष्प मिला करके अर्घ्य प्रदान करें और काली उड़द और अन्न आदि का दान करें, तिल गुड़ का भी दान करें। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन आप जल में हल्दी, केसर, पीले पुष्प मिला करके सूर्य देवता का नाम उच्चारित करके अर्घ्य प्रदान करें। वहीं सूती वस्त्र, चादर आदि का दान करें, तिल व गुड़ अन्न आदि का दान करें। इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी और वर्ष भर इससे आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।